आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रविधि ब्याज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आज हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ये हमारा पहला क्वेश्चन है कोई धन चक्र ब्याज की दर से पंद्रह वर्ष में दो गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह आठ गुना हो जाएगा यहाँ पे हम एक्स मान के सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वर्ष और गुना यहाँ पे दो चीज क्वेश्चन में दिया गया है एक वर्ष और दूसरा गुना यहाँ पे क्या दिया गया है पंद्रह वर्ष में कोई धन दो गुना हो जाता है तो पूछा गया है कि कितने वर्ष में यही धन आठ गुना हो जाएगा इस दो के नीचे आठ हमने यहाँ पे लिखा है तो इस दो पे हम कितना पावर लगा के उसे आठ बना सकते हैं मतलब इसके बराबर बना सकते हैं तो इस दो को अगर हम यहाँ पे लिखे मतलब दो पे पावर अगर हम तीन लिख देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा आठ मिल जाएगा इस संख्या से हमें इस संख्या बनाना है तो इसके ऊपर अगर हम तीन पावर लगा देंगे तो हमें यहाँ पे आठ मिल जाएगा अब हम क्या करेंगे ये जो पावर है इसका गुना हम इस वर्ष में कर देंगे हमें वर्ष निकालना है तो इस वर्ष में कर देंगे तो पंद्रह गुना ये तीन का गुना हम इसमें करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा पैंतालीस वर्ष ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर मतलब कि आठ गुना हो जाएगा वह पैंतालीस वर्ष में जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस वीडियो में हम इस तरह के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को, को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आठ वर्ष में तीन गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में यह सत्ताईस गुना हो जाएगा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है यहाँ पे वर्ष दिया गया है और गुना दिया गया है वर्ष है कितना आठ वर्ष में तीन गुना हो जाता है तो पूछा गया है कि कितने वर्ष में यह धन सत्ताईस गुना हो जाएगा तो इस तीन के ऊपर हम कितना पावर लगाएंगे कि यह सत्ताईस के बराबर हो जाएगा इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं तीन पे पावर तीन तीन का गुना तीन बार करेंगे तो हमें यहाँ पे सत्ताईस मिल जाएगा इस पावर का गुना हम किस में करेंगे इस वर्ष में करेंगे क्योंकि हमें वर्ष निकालना है तो आठ गुना तीन करेंगे तो हमें यहाँ पे चौबीस वर्ष मिल जाएगा ये हो जाएगा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप बहुत कम समय में ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अब हम बनाते हैं अगला प्रश्न इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई धन किसी चक्र ब्याज की दर से छः वर्ष में तीन गुना हो जाता है तो अठारह वर्ष में कितना गुना हो जाएगा यहाँ पे टाइम दिया गया है पहले लाइन में बोला गया है क्या वर्ष और गुना यहाँ पे दिया गया है वर्ष और गुना छः वर्ष में अगर तीन गुना हो जाता है तो अठारह वर्ष में कितना गुना हो जाएगा ये हमें बताना है पहले क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या कर रहे थे इस संख्या के ऊपर हम पावर लगा के इस संख्या के बराबर कर रहे थे और उस पावर का गुना हम इसमें कर रहे थे तो हमें ये संख्या मिल रही थी इस तीन के ऊपर कोई भी पावर लगाएंगे इस पावर का गुना अगर हम इसमें करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी मतलब इस छः का गुना अगर हम पावर में कर रहे थे तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था ये संख्या मतलब टाइम मिल रहा था तो अगर ये संख्या हमें पावर यहाँ पे निकालनी है अगर हमें यहाँ पे पावर निकालनी है तो हम क्या करेंगे अट्ठारह को इस छः से भाग दे देंगे इस अठारह को इस छः से भाग दे देंगे तो यहाँ पे जो पावर है वो हमें मिल जाएगा जैसे यहाँ पे अगर भाग देंगे तो ये तीन बार में कट जाएगा इसका मतलब यहाँ पे तीन के ऊपर अगर हम तीन लिखेंगे तो हमारा आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे इस संख्या के ऊपर पावर लिख के इस संख्या के बराबर बना रहे थे इस संख्या के ऊपर हम पावर लिख के इस संख्या के बराबर बना रहे थे और उस पावर का गुना हम इसमें कर रहे थे तो हमें ये संख्या यहाँ पे मिल जा रही थी तो हम क्या करेंगे पावर कैसे निकालेंगे इस संख्या को इस संख्या से भाग दे देंगे तो इसके ऊपर जो पावर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो 18 को 6 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे 3 मिल जाएगा मतलब 3 पे पावर 3 मतलब क्या होता है तीन गुना तीन गुना तीन, तीन तो हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा सत्ताईस सत्ताईस गुना हो जाएगा हमारा आंसर मतलब वो धन अठारह वर्ष में सत्ताईस गुना हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही

पाँच वर्ष में दो गुना हो जाती है तो बीस वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी यहाँ पे क्या क्या दिया गया है मूलधन दिया गया है प्रिंसिपल दिया गया है कितना बारह हजार रुपया यहाँ पे वर्ष और गुना दिया गया है वर्ष और गुना पाँच वर्ष में अगर राशि दो गुना हो जाती है तो बीस वर्षों में ये कितना हो जाएगी ये हमें बताना है मतलब बारह हजार रुपया की राशि कितने रुपये में बदल जाएगी ये हमें बताना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस संख्या के ऊपर हम ऐसा कौन सा पावर लगाएंगे जिस पावर में इसे गुना करने पे हमें ये मिल जाएगा जिसके पावर को इसमें गुना करने पे हमें ये संख्या मिल जाएगा तो हमने क्या बताया कि इस संख्या को अगर हम इससे भाग देंगे मतलब पावर गुना ये संख्या कितना होता है बीस के बराबर होता है तो पावर यहाँ पे कैसे निकालेंगे बीस बटा में पाँच मतलब हमें यहाँ पे चार मिल जाएगा मतलब दो के ऊपर अगर हम चार लिखते हैं तो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर हो जाएगा तो दो पे पावर चार का मतलब कितना गुना होगा दो गुना दो गुना दो गुना दो दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह मतलब यह धन जो है वो सोलह गुना हो जाएगा यह धन सोलह गुना हो जाएगा कितने वर्षों में बीस वर्षों में सोलह गुना हो जाएगा अभी है बारह हजार रुपया तो बारह हज़ार रुपया अगर सोलह गुना हो जाता है तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा सोलह जीरो जीरो सोलह जीरो जीरो सोलह जीरो जीरो यहाँ पर सोलह दूनी बत्तीस का दो हाथ में कैरी तीन सोलह एकम सोलह तीन उन्नीस यहाँ पे वन नाइन टू जीरो 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 एक लाख हजार रुपया बारह हजार की राशि तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आप इसे आसानी से कम से कम समय में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दो वर्ष में चार हजार रुपया हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में आठ हजार रुपया हो जाएगी ये क्वेश्चन पहले जैसा ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे बोला गया है कि दो हजार रुपया की राशि दो वर्ष में कितना हो जाती है चार हजार रुपया हो जाती है मतलब दो गुना हो जाती है तो यहाँ पे वर्ष और गुना अगर हम लिखते हैं तो राशि दो वर्ष में दो गुना हो जाती है बोला गया है कि वह राशि कितने वर्ष में रुपया रुपया हो जाएगी। कब होगा? जब दो हजार रुपये का चार गुना हम करेंगे तो हमें यहाँ पे आठ हजार रुपया मिलेगा मतलब चार गुना कब होगा ये हमें यहाँ पे बताना है टाइम निकालना है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे इस संख्या के ऊपर मतलब दो के ऊपर हम कितना पावर देंगे कि इस संख्या के बराबर हो जाएगा तो दो के ऊपर अगर हम दो पावर देते हैं तो ये संख्या हमें मिल जाएगी यहाँ पे तो इस पावर का गुना हम इसमें कर देंगे मतलब दो गुना दो करेंगे तो यहाँ पे चार वर्ष मिल जाएगा चार वर्ष में वह धन दो हज़ार से आठ हज़ार हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा चक्रविदी ब्याज से इस तरह के क्वेश्चन अभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं आप इस मेथड से इस फॉर्मूले से कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं